जितना मैंने किताबों में नहीं सीखा है, जितना कि मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। उनके पास प्रॉपर टेक्निक थी, उन्होंने एक पोर्शन को एज ए सेक्रेड ग्रो मांगरबनी के तौर पे प्रोटेक्ट कर दिया था। ये हज़ारों सालों से प्रोटेक्ट है और उसके साथ सिस्टम था कि कोई इनकेस उसमें से कोई एक पत्ती नहीं तोड़ सकता, एक दातुन तक नहीं तोड़ सकता। हम कह रहे हैं कि ये जंगल है, आप लोगों के सबके किसी से भी पूछ लो ये जंगल है, बट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में ये जंगल नहीं है। वो जंगल नहीं है, इसीलिए तो वो डॉक्यूमेंटेशन करना है, स्टेबलाइज करना है कि भाई ये जंगल है। इट्स अ रेमिनेंट फॉरेस्ट व्हिच इज लाइक अ लिविंग म्यूजियम ऑफ अ पास्ट टाइम पीरियड व्हिच हैज सर्वाइव्ड। सो आई थिंक ऑन दैट ग्राउंड अलोन इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज। Came in 2008-9, there was a general, sense in the village that this is our forest, this is our sacred grove, and secondly, they were very welcoming. Ki, bhai, come and visit, go and see, and there's no problem. We have protected it, and it's open for everyone to visit. If you look outside the Mangarbani and you step out, and the boundaries are a bit fuzzy, but as you move away, the rest of the hills are, in various stages of degradation. But in Mangarbani, because they have not lopped for fuel wood or fodder, and they have not cut the trees for hundreds of years, and this is by a social consensus between three villages of Mangar, Bandhwari and Baliyabas. And the older people we've talked to who are in the 90s, they say their grandparents said it looked just like this 80 years before that. So in 150 years of reported memory, they say there's hardly any change. मेरी फैमिली कई जनरेशन से यहाँ पे है। बेसिकली मांगर की एक ख़ास बात यह है कि जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बेस्ड थे पशुपालन पे। उनका जो मेन प्रायोरिटी थी, उनका जो पशु जो सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी वो डिपेंड करती थी जंगल के ऊपर। तो उनका अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम था, उन्होंने एक पोर्शन को एज ए सेक्रेड ग्रो मांगरबनी के तौर पे प्रोटेक्ट कर दिया। नॉर्मली ये ट्रेडिशन है, बट इसको अगर आप साइंटिफिक वे में देखो तो ये मैनेजमेंट सिस्टम भी है कि इसमें एक प्रोविजन ये भी था कि इन केस अगर अकाल पड़ जाए। दिस इज अनदर चेक डैम मेड बाय आवर इको क्लब। वी ऑर्गेनाइज बर्ड वॉक फॉर द किड्स एंड इन द मानसून सीजन वी ऑर्गेनाइज द कंजर्वेशनल एक्टिविटीज। ऑल द प्लगिंग ऑफ द एरिया मेड बाय इको क्लब चिल्ड्रंस। ये बेसिकली ट्रेडिशनल भी था उस टाइम पे, क्योंकि लोगों की डिपेंडेंसी पूरी फॉरेस्ट के ऊपर होती थी, तो वो इस तरह से चेक डैम बनाते थे। चेक डैम बनेगा तो उसके सोयल कंजर्व होगा, सोयल कंजर्व होगा, घास होगी, उनके जानवरों का भी गुजारा होगा, जंगल भी मैनेज होगा। This is a painting sign. Lots of things is damaged due to rain and soil. These marks have pattern, holes and in a pattern. सबको पता है केव हैं, सबको पता है इनके अंदर पेंटिंग्स हैं। जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं सबको पता है कि यहाँ पे कुछ पुरानी कोई सभ्यता का निवास है। बस प्रॉब्लम यही है कि किसी ने उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, किसी ने उसको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी। Apparently the findings are, they predate modern history and medieval history and early civilization. This is pre so this is supposed to be between you know, 5 and 20, 30,000 years old, and some people are saying even more. So hopefully the government, like they protected the Mangarbani, will also protect these areas. ऐसे यहाँ पे सिर्फ एक केव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी केव हैं। कुछ माइनिंग में बर्बाद हो गई, कुछ बची हुई रह गई हैं। मांगर की मैं बात करूँ तो बहुत सारा डिस्ट्रॉय होने के बाद भी बहुत सारे प्लेस अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पे कि हिस्टोरिकली एविडेंस अभी भी बचे हुए हैं। There was a Supreme Court judgment in 1996 in the Godavarman case, and that kind of clarified forestry law that has prevailed till now. It basically said forests can be divided into three categories. So the first category is a forest which is notified under the Indian Forest Act or any other state act which says that it's a forest. In addition to that, the judgment said that there may be other certain lands which are recorded as a forest in the government records. And then the judgment said that in addition to notified and recorded forests, if there's any other area which meets the dictionary meaning of forest, it would be protected under the Forest Conservation Act. The FCA would apply, which means you cannot divert that land for non-forest use without going through due process. You know, this is kind of a fuzzy area. The government has notified the Mangarbani as a no construction zone. And so in government records it is recorded as Mangarbani in the notification. So you can say that it is a forest now, but the forest department hasn't clearly identified it as a deemed forest. ये लड़ाई का आउटपुट तो यही हो सकता है कि इस एरिया को फॉरेस्ट जो है आइडेंटिफाई हो और इसे किसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नोटिफाइड करके यहाँ पे कुछ एरिया को बचाया जाए। मैं तो मतलब बहुत बाद में समझा था खुद डॉक्यूमेंटेशन करना, तो स्टार्टिंग में तो बाहर से और लोग, कुछ स्टूडेंट्स लगे इस काम में, उन लोगों को हमने हेल्प प्रोवाइड की। कुछ एक्सपर्ट्स थे, काफ़ी साइंटिस्ट सीनियर लेवल के, उन लोगों ने गाइड किया कि किस तरह का करना है। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के कामों में मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं उनसे सीखा, आहिस्ता आहिस्ता जो डॉक्यूमेंटेशन था वो जो मतलब हम और लोगों से करा रहे थे, इसका थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ है कि अब डॉक्यूमेंटेशन करने की एबिलिटी थोड़ी सी हमें भी आ गई है कि हम कर पा रहे हैं। इस काम के लिए कुछ एक दो NGO से भी सपोर्ट मिलनी शुरू हुई। बेसिकली 2018 में मुझे WWF से फेलोशिप मिली, फिर 2019 में मुझे सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के साथ एक फेलोशिप मिली मेरे कम्युनिटी वर्क को आगे इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन अगर बेटर होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। मैंने तो समस्या तो यही है ना कि काम तो उसी चीज़ के लिए किया जाएगा ना जिस पे काम नहीं हुआ है, तभी तो काम करना पड़ रहा है। अगर वो मान लेते हैं जंगल है तो सही है, मेरे को ही क्या है, मैं 10 साल से इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जो है पूरा सब कुछ छोड़ करके पूरा एफर्ट इसमें लगा रहा हूँ, तो ठीक है। वो लोग अभी बोल दें वो कि जंगल है, इसमें क्यों भैया क्यों तंग हो रहा है, हमने मान लिया ये जंगल है, हम भी छोड़ छाड़ के हम भी कुछ काम करें, कहीं नौकरी करें, कहीं कुछ करेंगे।